चैनल इंडियन एक्सप्लोरर। अभी आ गई हूँ मैं एक और छोटा सा प्यारा सा व्लॉग लेकर आपके लिए। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि ये व्लॉग किस बारे में होने वाला है, तो ये व्लॉग होने वाला है मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में। कल मेरा बर्थडे था, कल का दिन मैंने स्पेंड किया अपने हस्बैंड के साथ, अपने बेटे के साथ। पूरा दिन मैं उनके साथ मैंने बहुत मजे किए। आपका फेवरेट सॉन्ग है, कुछ एक्सप्रेशन तो दे दो। तो गाइज़ ये है मेरे बर्थडे का एक्चुअल डे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़े से ग्लिम्प्स दिखा रही हूँ। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बना था, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने मिलके पोहा बनाया था यूट्यूब वीडियो देखकर। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद, फ्रेश होने के बाद हम गए मंदिर। मंदिर में जाके हमने भगवान जी के सामने माथा टेका और उसके बाद हम निकल गए हैं वसंत कुंज मॉल के लिए। और रास्ते में हो रहा है ये फ़न पतिदेव के साथ और बेटे के साथ। तो मॉल में जाने के बाद हमने थोड़े बहुत इधर उधर आउटलेट्स देखे और फिर मैं स्टारबक्स गई। और ये है मेरा बर्थडे केक और फ्लावर्स जो रात को 12 बजे मुझे मिले। और ये है वसंत कुंज का एम्बियंस मॉल। अच्छा मॉल है, काफ़ी दिन बाद गए थे हम। और यहाँ पे तो एक फ़ोटो सेशन हो रहा है जिसमें अपने पापा को डूड बनना सिखा रहा है मेरा बेटा। और वहाँ पे खा पी के शॉपिंग करने के बाद हम निकले। शॉपिंग मेरी तो कुछ खास हुई नहीं, बेटे की ही शॉपिंग हुई। बाहर निकले तो बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी उस दिन दिल्ली में, खूब ज़्यादा बारिश हो रही है। मौसम इतना अच्छा हो गया कि मुझे लगा कि भगवान जी भी मुझे अच्छा वेदर करके एक ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो इतने बारिश के मौसम में लॉन्ग ड्राइव करना वॉज फन टोटली। बारिश में जैम तो लग जाता है दोस्तों, पर दिल्ली कितनी खूबसूरत लग रही है फ्लाईओवर के ऊपर से देखिए, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत। तो इसके बाद हम वसंत कुंज से आ गए। हम गए थे एक्चुअली वसंत कुंज मॉल भी हम गए थे, तो वहाँ पर हम तनिष्क का वो कौन सा है, कैरेट लेन पे गए थे कि कुछ हल्की फुल्की ज्वेलरी ले लेंगे। तो वहाँ तो बंद हो गया है, तो हम आए साउथ एक्स में कैरेट लेन पर। पर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, बहुत ज़्यादा लाइट ज्वेलरी थी, मुझे लगा ड्यूरेबल नहीं रहेगी। तो हम वहाँ से देख दाख के वापस आ गए। और आते हुए हमने हाईवे के ऊपर NH 24 के ऊपर ये जैन शिकंजी खुला है, यहाँ बारिश हो रही थी, बारिश में बैठ के चाय पी और इस तरह गुजारा मैंने अपना बर्थडे दोस्तों। अब आते हैं अपने प्रेजेंट डे पे। घर आने के बाद मैंने बनाई कुछ रील। पठान का सॉन्ग काफ़ी हिट चल रहा है, दे दे जो जुबान, तो वो ट्राई कर रही हूँ मैं। बड़ा मुश्किल था ये मूव सीखना। अगर ये सब और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। अभी द एक्सप्लोरर के नाम से मेरा पेज है, मैं लिंक डाल दूँगी। और आज का ये छोटा सा व्लॉग होने वाला है जो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी कर रही हूँ बर्थडे की। तो हम लोगों में फ्रेंड्स में ऐसा है कि हम एक ग्रुप है हमारी सोसाइटी में, उसमें हम कुछ फ्रेंड्स का, जिसमें हम बर्थडे पार्टी देते हैं, बाकी लोग उसमें आते हैं और हम इंजॉय करते हैं। इस बहाने से एक दूसरे से मिलना भी हो जाता है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको अपने सारे फ्रेंड्स से मिलवाने वाली हूँ और लेके चलने वाली हूँ अपने साथ अपने बर्थडे पार्टी में। और मौसम थोड़ा दिल्ली में गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, बैठ के बात करते हैं, हाथ दुख जाएगा मेरा इतनी देर उठाए, तो मैं इसको कहीं सेट कर लेती हूँ। लेट्स टॉक। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने हेड वॉश कर लिया है, बाल अभी थोड़े थोड़े से गीले हैं। मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज मेरा क्या हेयर स्टाइल होने वाला है। ड्रेस लॉक इन कर दी है, हेयर स्टाइल लॉक इन कर दिया है। मैं आज पोनी बनाने वाली हूँ कि एवरी टाइम मेरे स्ट्रेट बाल ही मैं रखती हूँ, तो मैं थोड़ा बोर हो गई हूँ। और देखने में आप भी शायद बोर हो गए होंगे कि साड़ी पहने या कुछ भी पहने, इसके सिल्की स्ट्रेट हेयर हमेशा ऐसे ही रहते हैं। तो दिस टाइम आई एम प्लानिंग कि मैं एक हाई पोनीटेल बनाऊंगी और कैट आई लुक रखूंगी। तो ये सब मेरे दिमाग में पिछले एक हफ्ते से चल रहा है, ड्रेसेस में ड्रेस क्या होनी चाहिए, उस पर कौन सा मेकअप होना चाहिए, कौन सा ये, उस चक्कर में मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। थोड़ा सिंपल रखना चाहिए चीज़ों को जो मैं नहीं रख पाती हूँ, परफेक्शन के चक्कर में थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसा लगता है वर्कलोड हो गया है। तो आज की पार्टी होने वाली है ओपन टेरेस पे। थोड़ा दिल्ली में मौसम ख़राब है, कल पूरे दिन बारिश हुई, रात में भी काफ़ी बारिश हुई, आज भी थोड़ा ठंडा वेदर हो गया है, लेकिन टच वुड अभी बारिश तो नहीं है। एंड आई विश कि आज बारिश ना हो, क्योंकि
केला कट जाएगा दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो। हालांकि वहाँ पे कवर्ड एरिया भी है, बट जो ग्रेस और जो एक फील आता है ना ओपन में विद म्यूजिक, विद गुड फूड, विद गुड फ्रेंड्स, तो वो अंदर में तो फिर आप डाक जाके डाइन इन करते ही हैं, कुछ नहीं हुआ तो करना ही पड़ेगा। आई विश कि ऐसा ना हो, हम मज़े करें। तो आज के ब्लॉग में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं अपने साथ गेट रेडी विद मी भी एक छोटा सा शेयर, मतलब आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं कैसे मेकअप कर रही हूँ, कैसे अपना हेयर कर रही हूँ, कैसे ड्रेस, कैसे तैयार हो रही हूँ। और फिर आपको वेन्यू भी दिखाऊंगी, वेन्यू में भी लेके चलूंगी, अपने दोस्तों को भी दिखाऊंगी। वहाँ पे मैंने दो तीन फन गेम्स भी रखे हैं ताकि एक बोरिंग सिर्फ डाइन इन टाइप की कोई पार्टी ना रह जाए, तो ताकि मज़ा आए वहाँ जाने वालों को भी। आई होप आपको मेरे साथ इसमें मजा आएगा, आप बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। एज अ बर्थडे गिफ्ट मेरे को सब्सक्राइब कर डालिए दोस्तों। क्या सोच रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए दोस्तों, और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा ये व्लॉग। और एक बहुत अच्छी बात हो गई है कि मैंने ज़ारा से बहुत सारे ऑर्डर कर रखे थे, मतलब ज़ारा पे अभी जैसा कि आपको पता हो 25th of December से सेल चल रही थी, तो कुछ लॉट्स में मैंने कपड़े खरीदे। पहले एक बार लिए, फिर दो बार लिए, फिर अभी तीसरी बार फिर और ले लिए। तो मैं अभी चाहती थी कि मेरे बर्थडे के दिन आ जाए, तो बर्थडे के दिन तो नहीं आया। आज पार्टी से पहले मैं सुबह से प्रे कर रही थी कि आ जाए आ जाए आ जाए, तो अभी अभी मेरा शिपमेंट आ चुका है दोस्तों। हो सकता है मैं इसी में से कुछ और पहन लूँ, एंड टाइम पे माइंड चेंज कर लूँ, जिसके चांसेस कम है, लेकिन हाँ हो भी सकता है दोस्तों, लेट्स सी क्या करते हैं। तो अभी भी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा ज़ारा का शिपमेंट आ गया है। इतने सारे वो 2 दिन से डिलीवर ही नहीं कर रहे थे दोस्तों, क्योंकि बड़ा बड़ा शिपमेंट है ना, तो उनको डिलीवरी बॉय को लग रहा था इनका ही सबसे लास्ट में दो, तो बड़े वाले के साथ ये दिक्कत हो जाती है। लेट मी शो यू। तो दोस्तों ये आ चुका है मेरे ज़ारा के पैकेट्स। आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी दैम। आई विश ये मेरे को फिट आ जाए। और इससे पहले भी मैंने ज़ारा की काफ़ी शॉपिंग की है, तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए। मैं जल्दी ही ज़ारा का हॉल लेकर आऊँगी। एक हॉल में तो ये नहीं आएगा, 2-3 हॉल्स बनाने पड़ेंगे, और इनको स्टाइल करके भी मैं आपको दिखाऊँगी। और आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, और कौन सा हॉल आप देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। क्या अराउंड हो रहे हैं, मैं थोड़ी सी छोटी सी पावर नैप ले लेती हूँ ताकि ताकि शाम को मैं एनर्जेटिक फील करूँ। और शाम को फिर मिलते हैं, जब मैं तैयार हो रही होंगी तब आपको दोबारा अपने साथ ले लूंगी दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ, लेट्स गो। बाबा आई एम रियली एक्साइटेड। अभी पहले वालों में चेक भी नहीं पहना है, लेकिन मेरे को मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है यार पूरा। बस ये मुझे आ जाए। तो यहाँ मैं ले रही हूँ पावर नैप, और पावर नैप लेते लेते मैंने लगा लिया है फेस मास्क, तो सोचा स्किन को भी थोड़ा पैम्पर कर दिया जाए और खुद को भी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी अभी मैंने अपनी रिंग लाइट फर्स्ट टाइम जलाई है गाइस, देखो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी रिंग लाइट, जो मैं 3 साल से सोच रही थी कि मैं लूँ या नहीं लूँ। व्यूज तो आप देते नहीं हैं, तो मेरे को लगा पता नहीं इन्वेस्ट करना, पहले ही इतना इन्वेस्ट कर चुकी हूँ, ठीक रहेगा कि नहीं। लेकिन रिंग लाइट के बिना लाइट्स की हमेशा ही प्रॉब्लम रहती थी, कहाँ बैठो, कहाँ से लाइट फेस पे सही आ रही है नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें बहुत थी। तो अभी बज रहे 6:10, लेट हो गई, 6:30 से तो पार्टी स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी जल्दी हम थोड़ा बहुत मेकअप स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने फेस पैक, फेस मास्क जो था वो पहले से ही लगा के रखा हुआ था, स्किन प्रेप कर ली। सॉरी गाइस, फोन आ गया था एक फ्रेंड का। तबीयत सबकी गड़बड़ चल रही है, मौसम ऐसा चल रहा है ना कि गड़बड़ ही है मामला। ऐसा तो इतनी ठंड में तो बर्थडे आता है कि क्या बोलूँ मैं आपको। चलो फटाफट कंसीलर लगा लेते हैं, ज़्यादा कुछ करने का टाइम है नहीं। यहाँ पे मेरा थोड़ा पिगमेंटेशन है, यहाँ भी पिगमेंटेशन है, यहाँ भी पिगमेंटेशन है। गाइस पिगमेंटेशन का तो बस पूछो मत, अनइवन स्किन टोन है ना, तो ये तो कंसील करना ज़रूरी है। छोटा शीशा ले लेती हूँ क्योंकि इससे काम चलेगा नहीं। बहुत
ज़्यादा मेकअप करने का मैं नहीं सोच रही हूँ आज, क्योंकि टाइम भी नहीं है। तो जल्दी से इसको जहाँ जहाँ डार्क था वहाँ वहाँ मैंने थोड़ा सा लगा लिया। अभी फेसेस कैनेडा का मेरी ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है फाउंडेशन, तो मेरे को ये और मैक का स्टूडियो स्कल्प्ट दो ही फाउंडेशन है जो मेरी ड्राई स्किन पे ख़त्म हो रहा है गाइस। तो अभी ड्रॉपर से नहीं निकलता है, वरना ड्रॉपर से भी निकल जाता है ये, निकल गया। तो अब इसको लगा लेते हैं। फाउंडेशन मैंने लगा लिया है, इसको थोड़ा सा टाइम सोक इन करने के लिए दे रही हूँ, तो तब तक मैं आईब्रो पेंसिल से कर लेती हूँ। पहले स्पूली से इसको अप कर लो। बहुत फास्ट हो रहा है भैया आज, तो लेट हो गया, कॉल आ गया था उस वजह से। हल्का हल्का दिखे उसको फिल कर दो। पाउडर सेट कर लेते हैं, पहले आई शेडो लगा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ वेट है तो थोड़ा सा ये लैक्मे का मेरे पास लूज पाउडर है, ये आईब्रो पे लगा लेते हैं, यहाँ आईलिड पे लगा लेते हैं ताकि थोड़ा ड्राई हो जाए। और ड्राई होके शुगर का बहुत छोटा वाला है, बड़ा भी है मेरे पास, ये कॉम्पैक्ट सा है, ये दिखा देती हूँ आपको, ये वाला है इसमें शेड। तो मैं इसमें लेने वाली हूँ ब्राउन, डेप्थ देने के लिए ब्राउन ही ज़्यादातर यूज़ होता है, तो मैं ब्राउन ही यूज़ कर रही हूँ। अभी झाड़ लो, ज़्यादा हो जाएगा वरना। और आपकी जो क्रीज है इस पर थोड़ा थोड़ा लाइट मेकअप रखना है मुझे, इससे मैं थोड़ा कॉन्टोरिंग भी कर लेती हूँ, इससे फेस थोड़ा सा स्लिम इफेक्ट आता है। लग गया ब्लश, लिक्विड के ऊपर थोड़ा सा स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर प्लस ब्लश है ये, तो इसमें से लाइट कलर लेके मैं थोड़ा सा हाइलाइट कर लेती हूँ। ओह शिट, हर चीज आज ज्यादा लग रही है जल्दबाजी में। हो गया, थोड़ा सा इसको बेस को सेट कर लेते हैं इसी लूज पाउडर से। जहाँ ब्लश लगाया पानी लगा रही हूँ मैं, नहीं तो क्रीमी इफेक्ट चला जाएगा। आई लैशेस कर्ल कर लो। ये डेबोरा का मस्कारा है, ये लगा लेते हैं। एक्सेस हटा लो, एक्सेस बहुत ज़्यादा इसमें, पता नहीं इसकी स्पूली कैसी इस बार वाली आई है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ले लेती है। आ रहा है इफेक्ट, लगा के दिखाती हूँ। शुरू में गड़बड़ हो गई, देख लीजिए इसका प्रोडक्ट ही इतना सारा निकलता है, पता नहीं क्यों। कारा डन, अब लगाते हैं लाइनर फटाफट, बहुत जल्दी हो रही है मुझको। अब विंग लाइनर लगाना है, जल्दबाजी छोड़ के तमीज से लगाना पड़ेगा। तमीज तो शुरू में ही गड़बड़ हो रही है, देखो दो मुंह बन रहे हैं इसके, पता नहीं क्या हो गया। लाइनर डन दोस्तों, और बस अब लगा लेते हैं लिपस्टिक। लिपस्टिक लगा लेते हैं, लिपस्टिक भी डन दोस्तों। चलो मेकअप तो हो गया है, अब फटाफट उठते हैं कपड़े पहनते हैं।
दिस इज द प्लेस जो हमने बुक किया है अपनी पार्टी के लिए। स्टार्टर के बाद बारी आ गई है अब गेम्स की, और कुछ लोगों के कुछ फ्रेंड्स के बच्चे भी साथ में आए थे, तो बच्चे इतना प्रो की तरह खेल रहे थे कि बड़े उनसे हार रहे थे। जस्ट पकड़ ले ऐसे। और ये फर्स्ट गेम के बाद स्टार्ट हो गया दोस्तों सेकंड गेम। ये भी बहुत फन था, बहुत मज़ा आया। इसमें बलून को ब्लो करना था और उसके प्रेशर से आपको ये जो पेपर कप्स थे इनको आगे टेबल के पार उस साइड ड्रॉप डाउन करना था। तो इसमें भी सबको बहुत मज़ा आया। मैं थैंक यू कहना चाहूंगी अपने मम्मी पापा अपने बेटे 10 साल के बेटे को और आज जीत गए। जय गॉड अभिलाषा किसी को नहीं मौका दिया। मैं इसके तले दम ना जाऊं, मुझे हमेशा ग्राउंडेड रखना, लोगों जमीन से जुड़े रखना। बाय बाय चलती हूं। वेरी नाइस। और स्पीच को इसके लिए अलग से गिफ्ट बनता है भाई। हमारी किट्टी की हमेशा विनर रहने वाली आज कैसे छूट जाती, तो आज भी बीमारी की हालत में भी आने के लिए। अरे दोस्तों क्या बात है, करो क्लास करते हैं दोस्तों। चलते हो ना कि कुछ है हमारी स्मार्टी जिसको स्मार्टी द ग्रेट जो प्यारे से इयररिंग्स पहन के आई है। मैं किसी को बहुत अच्छा है और ये स्टार्ट हो चुका है तीसरा और आखिरी गेम, जिसमें जो स्ट्रॉ होती है उसको आपको अपने यहाँ पर लगाना है और वॉक करते हुए आगे आना है, और इस बॉटल में आके बिना हाथ लगाए इसको बिल्कुल जिससे पीते हैं हम किसी बॉटल से, तो उस पोजीशन में लेकर आना है। तो देखिए किस तरीके से परफॉर्म किया गया। हाथ लगा नंदनी। अरे मेरी दोस्त जीत गई।
पिक्चर्स विच वी हैव टेकन एट दैट नाइट. बहुत मज़ा आया. सारे फ्रेंड्स हैं. ये मेरा प्यारा सा केक है एज यू कैन सी. और सारे पिक्चर्स हैं. खूब मस्ती की, डांस किया, खाना बहुत अच्छा था. फ्रेंड्स के साथ बहुत सारे गेम्स खेले. जितना मैंने पेन लिया, 3-4 दिन मैं स्लीपलेस नाइट्स में आई हैव गॉन थ्रू कि अच्छे से पार्टी हो जाए. यू कैन क्लियरली सी कि वो अच्छे से हो गई. एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी. एवरीबडी हैज़ एन्जॉयड अ लॉट. और मुझे भी बहुत अच्छा लगा. और आपको ये ब्लॉग अब तक पसंद आया है और ये क्लिप्स जो आप देख रहे हैं पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मिल जाएगा गाइस. और ब्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक. टाइम लगभग 12 बजने वाले हैं, 11:30 हुए हैं. मैं भी फेस वॉश करके आ गई हूँ और बर्थडे पार्टी ओवर हो गई है. 3-4 दिनों की जो स्लीपलेस नाइट थी वो फाइनली ओवर हो गई हैं. आपने देखा ही होगा कैसी रही. थोड़ा बहुत ग्लिम्स लेने की मैंने कोशिश की. एज अ होस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं बहुत बिजी थी तो उतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई. जितना भी थोड़ा बहुत ग्लिम्स मैंने लिए वो मैंने डाल दिए. होप आपको पसंद आया होगा ये मेरा छोटा सा बर्थडे व्लॉग. अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. 12 बज चुके हैं. सुबह ऑफिस जाना है, पति देव को भी, बेटे को भी जाना है. तो अब टाइम से सोना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो अब सो जाते हैं गाइस. लेट्स गो टू स्लीप. वो एक बंदा वहाँ सोने की तैयारी कर रहा है दोस्तों. मैं दिखा नहीं सकती. चलो बाय बाय दोस्तों. बाय. गुड नाइट. गुड नाइट. टेक केयर. बाय.